मैं मुझे लगता है प्रांजल भी अपने आप में एक यूट्यूबर है क्योंकि आप भी व्लॉगिंग करते ही हो तुमसे कम <laughs> 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 है पर तुमसे कम रिसेंटली गाना भी डाला अपना नया वाला जो आया है हेमा माल तो पर्सनल चैनल क्यों लगा आपको कि अब सही टाइम है अब एक्चुअली क्या था कि जब हम एज कंपनी के लिए हम काम करते हैं कोई भी आर्टिस्ट ऐसा कोई भी आर्टिस्ट है जब भी वो कंपनी के लिए काम करता है तो क्या होता है जब गाना फ्लॉप होता है तो वो आता टारगेट आर्टिस्ट की वजह से फ्लॉप हो गया गाना गाना <laughs> रील नहीं बनाई आर्टिस्ट ने हाँ। और जब गाना हिट होता है तो सिंगर मुंह उठा के आ, गया आ जाता है मेरी वजह से राइटर आता है मेरी मेरी वजह वजह से से म्यूजिक डायरेक्टर आता है तो जब आर्टिस्ट के हकी बारी आती तो वो कहीं नहीं आती वो सिर्फ एक एक ही ऐसे इंसान है जो देते वो है फैंस जो वीडियो में से देख के आप मार्केट में रिक्गनाइज कर लेते हैं कि यार ये तो प्रांजल है अदरवाइज बहुत कम कंपनीज है अपने हरियाणा में या कहीं भी

तो थोड़ा उनके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बड़ी इतना खर्चा होता है मेरे को पता ही नहीं था। नहीं था खर्चा तो होता ही है बिकॉज स्टार्टिंग में एज अ लाइन प्रोड्यूसर भी मैंने काम करा है तो वो तो पता लगता है कि खर्चा होता है चीज दिखती है तभी लगता है कि हाँ भाई खर्चा हो रहा है खर्चा होता है कंपनीज बहुत प्रेशर उठाती है बिकॉज हमारा तो चलो मेरा तो एक गाना था वो तो ऐसे महीने में दस गाने आते हैं उनके तो उनका तो और भी ज्यादा खर्चा होता है पर एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली और बहुत सारी चीजों में ऐसा भी लगा कि यार देखा इतना आ आ <laughs> पैसा बुरा तो लगता है। नहीं बुरा नहीं लगता क्योंकि आसानी <laughs> <भी> <laughs> से।, से नहीं है जेब से पैसा जाता है बट खुशी इतनी होती है कि अपनी ही चीज है कोई ये है। कहने वाला नहीं है कि भाई इसमें ये कमी छोड़ती है गलती निकालने वाला नहीं है अपने हक से करा है जो कराए तो खुशी है उस चीज की

ऐसा भी कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में हाँ मैं स्कूल में डांसिंग एंड ऑल में अच्छी थी तो मैं उसमें जाती रहती थी पर ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ट्विस्ट है एक जो आया बुरे वक्त में कहता ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है आपसे कि अच्छी लगने लग जाती है वो जब होती है बहुत लोग कहते हैं कि प्रांजल को हम लेकर आए हम लेकर आए हमने हम लाए हैं लड़की को इस लाइन में कोई नहीं लेकर आया मुझे इस लाइन में मैं खुद आई हूँ ये सच्चाई है और टिकटॉक चलता होता था उस टाइम पर मैं सेवेंथ क्लास में मेरी सिस्टर थी इस लाइन में वो इवेंट मैनेजमेंट में थी उसने मुझसे एक्शन शूज की ऐड कराई थी उस वक्त वो स्टॉक शूट्स नहीं होते जो जिनके ढाई हज़ार रुपये मिलते होते हैं आपको सुबह नौ बजे काम करने जाना पड़ता है शाम को फ्री होते हो वो शूट मैंने एक दो करे थे जब मैं थक गई थी मैं कहा ये ड्रामे मेरे बस की नहीं है भाई पूरा दिन हंसना पड़ता है दाँत दुख जाते हैं यार गाल दुखते हैं तो उसके बाद ट्वेल्थ इलेवेंथ सिर्फ टिकटॉक करी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं टिकटॉक बहुत छुपके बनाती थी शरम बहुत आती थी। तो so, पे और कर दिया हाँ। बात खत्म मुझे नहीं पता क्या कंटेंट बन रहा है क्या बन रहा है कुछ नॉलेज नहीं थी उस लाइन की बस अच्छा लगा हाँ ये गाना अच्छा है बना दी वीडियो मुझे नहीं पता कब कब मैं मिलियन गए कब कब टिकटॉक बंद हुआ पर जब बंद हुआ तो दुख बहुत हुआ था <laughs>